हेलो 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 हेलो। लास्ट लेक्चर पे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई थी। कॉन्जुगेट भी पूरा पढ़ा दिया था। बोलो बेटा, कॉन्जुगेट वगैरह हो गया था सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दो हेडिंग्स आज हम लोग करेंगे। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। एक तो मॉडुलस की हेडिंग, मॉड की, ठीक है। दूसरी हेडिंग आर्गुमेंट की। और इन थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे आज के आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इनकी केवल किनकी, मॉड का यूज, कॉन्जुगेट का और आर्गुमेंट्स का यूज की प्रैक्टिस करेंगे। चले, सबसे पहले तो यदि मैग्नीट्यूड, यदि मॉडुलस ऑफ, सभी लोग हेडिंग डाले, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात करनी। इधर देखो बेटा, लिखना कुछ नहीं, बहुत ध्यान से समझते जाओ। जैसे ये आप आंसर करते जाना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको और किसकी तरीके ट्रीट करते हैं, एज अ पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एज अ पॉइंट हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। जनरली आप लोग जानते होंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। बट एक्चुअल में यदि हम लोग देखें, ये जो मॉड ऑफ जेड होता है, ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, किसके बीच की डिस्टेंस होती है, ओरिजिन एंड जेड के बीच की डिस्टेंस होती है। कैसे होती, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे ये आपका रियल एक्सिस हो गया, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये एक जेड पॉइंट है, जेड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स कॉमा वाई। ये आपका ओरिजिन नजर आ रहा होगा। यदि जेड और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस देखें, ये पॉइंट कितना है, जीरो कॉमा जीरो, ये पॉइंट कितना, एक्स कॉमा वाई। जीरो कॉमा जीरो, एक्स कॉमा वाई के बीच की क्या ये डिस्टेंस होती है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है, ओरिजिन और जेड के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ जेड बोलते हैं। अब एक चीज और बहुत ध्यान से देखना, जैसे कि कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल टू कुछ भी, यहां इक्वल टू में कुछ नंबर लिखा हुआ दिख जाए, मैंने आर नंबर लिख दिया है, मैंने क्या नंबर लिख दिया है, कभी मैग्नीट्यूड के इक्वल में आर लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन होगी सर्कल की। किसकी इक्वेशन होगी, सर्कल की। तो मॉड जेड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस किसके बीच की, ओरिजिन और जेड के बीच के। लेकिन मॉड जेड के इक्वल में कुछ नंबर लिख दे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को। कैसे रिप्रेजेंट करेगी यार, जेड का मतलब क्या है, अरे बोलो भाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। मॉड जेड का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि यहां रखेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या ये सर्कल की इक्वेशन है, इस सर्कल का सेंटर कितना है, सेंटर जीरो कॉमा जीरो, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस आर है। एक्चुअल में हम लोग देखें, जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर होती है। क्या होती है, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। इसमें ये जो आर है, इस सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है। ये पूरी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को। और ये जो जेड नॉट होता है, ये इसका सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। इस सर्कल का क्या होता है, सेंटर। जैसे ये इक्वेशन लिखा है तो जेड माइनस ओरिजिन लिख सकते हो क्या, इसको जीरो प्लस जीरो आयोटा, और इसका दिस इज इक्वल टू आर, क्या ये लिखा हुआ है, आप देखें क्या ये सर्कल की इक्वेशन है, जेड माइनस जेड वन का मॉड है, इक्वल टू आर लिखा हुआ है, आर इसका क्या है, जीरो कॉमा जीरो इसकी रेडियस। ये एक सर्कल दिख रहा है कि नहीं, तो कभी भी मैग्नीट्यूड के बराबर क्या लिखा हो, आर लिखा हो, तो या कुछ भी वैल्यू दी हो, जैसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू थ्री, मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को, उसको उसकी रेडियस
थ्री, इसका सेंटर 0.0, जैसे ये लिखा हुआ दिख जाए, मॉड ऑफ जेड माइनस 2+3 आयोटा इक्वल टू 5, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, जिसकी रेडियस 5, जिसका सेंटर 2.3। अब मेरी बात समझ रहे, इतना पहले नोट करें स्पीड में, स्पीड में नोट कर लें। नोट हो गया सभी का? कहीं पर किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। जिन बच्चों का भी फर्स्ट लेक्चर किसी का छूट गया है वो लेक्चर मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आना ही आना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर भी है, तो अभी जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो अभी तो शुरुआत है, मॉडुलस आर्गुमेंट्स वगैरह चल रहा है, अभी आगे चल के हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो ऐसी क्वेश्चन जैसे ये सर्कल वाला है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो अभी तो नहीं उनको कराएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे पढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन सर्कल देन सब कुछ पढ़ाएंगे, बट अभी थोड़ा सा इतना हिंट पता चल गया कि मॉड जेड इक्वल टू नंबर लिखा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, सर्कल। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक ये इक्वेशन, कम से कम ऐसी 5-6 इक्वेशन सर्कल्स की आएंगी कि सर्कल के वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको याद रखने होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने वाला है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, नोट हो गया सभी का, रफ करें इसको, सभी लोग हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने शॉर्ट में मॉड लिख रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कभी भी ऐसा करके लिखा है, कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, मैंने दो लिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर किस में लिखे हुए हैं, एडिशन में। तो जैसे लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्जुगेट क्या हो जाता था, सबको अलग अलग मिल जाता था, बट मॉडुलस प्लस और माइनस के केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ऐसा, मतलब ये प्लस में लिखा है तो आप ये चाहो तो ऐसे लिख दो, तो इस तरीके से लिख नहीं सकते। पता चला मॉड को डिस्ट्रीब्यूट किया, जेड वन पर अलग दे दिया, जेड टू पर अलग दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के अभी एक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्या पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि भाई इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें यदि आपके ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में दिख जाए, चाहे जितने कॉम्प्लेक्स नंबर हो मल्टीप्लीकेशन में दिख जाए, तो इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जरूरी नहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, यदि कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डिवीजन में दिख जाए, कैसे, कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में दिख जाए, तब भी आपका जो मॉडुलस होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आपसे बोला जाए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर एन है, उसका क्या निकालना है, मॉड। अब मेरी बात सुनो बेटा, इधर जैसे इधर जेड की पावर क्या है, एन, जैसे 2+3 आयोटा की पावर 5 लिखा हुआ, फिर उसका बोले मॉड, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी पावर 5 एक्सपेंड करेंगे, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप क्या करें, जेड का मॉड लें और उसकी पावर क्या कर दें, एन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि जेई के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, उल्टा यूज होता है बहुत ज्यादा, कैसे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, क्या लिखा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, उसके पीछे क्या रीजन, इधर देखो बेटा बाद में लिखना, जैसे जेड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, जेड इंटू जेड बार करके देखा, ये ए प्लस बी लिखा, ये ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्या बचा, क्या ये मॉड जेड का स्क्वायर है, मॉड ऑफ जेड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा कि नहीं, तो जेड इंटू जेड बार किसके बराबर होता है, Z इंटू जेड बार किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ Z बार। अच्छा एक चीज और समझना बहुत ध्यान से, Z का मॉड लो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड लो या माइनस Z का मॉड लीजिए या फिर माइनस Z बार का मॉड लीजिए, बहुत ध्यान से देखो बेटा, Z का मतलब पता है आर्गन प्लेन पर ये पॉइंट है, ये Z है, Z बार उसका क्या होता है, कल थोड़ा सा बताया था, मिरर इमेज होता है, क्या होता है मिरर इमेज, ये Z है और ये Z बार। अच्छा इसका Z का मॉड लेने का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, Z बार का मॉड लेने का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, क्या दोनों डिस्टेंस इक्वल है या फिर ये x प्लस आयोटा वाई है, इसका रूट निकालोगे मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा, इसका निकालोगे ये एक्स माइनस आयोटा वाई है, एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया, इमेजनरी पार्ट माइनस वाई है, माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर होगा, रूट लोगे बात वही आएगी ना, तो Z का मॉड लो या Z बार का मॉड लो दोनों बातें क्या होंगी बराबर, स्पीड में इतना नोट करें। कहीं पर किसी को डाउट हो तुरंत पूछना, कि फर्जी का हमें समझाना बनजाना नहीं है, जो मेन है वो समझो, कि ये नहीं कि इसी को समझाया जा रहे हैं आधा घंटा इसी में लग गया तो हो गया, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने इसमें। पास आउट है और इतना थोड़ा बहुत आता है आपको, जो नहीं आता हर एक पॉइंट भी बोल रहा हूं कहां से कौन सा आ रहा वो भी बता रहा हूं आपको, नोट हो गया सभी का, स्पीड में नोट करें। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको आपको याद रखना है। इसमें एक और प्रॉपर्टी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉड ले ले तो वो अपने रियल पार्ट के बराबर या उससे बड़ा, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले उसका जो मैग्नीट्यूड होगा अपने, जैसे कोई भी, जैसे ये 2 + 0 आयोटा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2, रियल पार्ट कितना इक्वल हो गया, जैसे आप देखें 3 + 4 आयोटा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अरे तो निकाल सकते हैं ना रियल पार्ट कितना, तो मैग्नीट्यूड रियल पार्ट से बड़ा है या फिर बराबर है, छोटा कभी नहीं होगा। सेम होता है कि जो मॉड ऑफ जेड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपने इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, नोट कर ले, ये ऑलवेज ऐसा ट्रू है, ठीक है, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड ऑलवेज ट्रू, मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज ट्रू। एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है यूनिमॉडुलर का, यूनिमॉडुलर बहुत ध्यान से समझना, यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलेंगे यूनिमॉडुलर। अच्छा स्क्वायर मार सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब वो इनटू उसका, दिस इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अरे ये लिखा है कि नहीं उल्टा लिख रहे हैं। अच्छा यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 1/z बार, जेड इक्वल टू 1/z बार, कई बार होगा, सुन लो बेटा, कई बार हमें जेड की, या ऐसा भी हो सकता है जेड बार को 1/z लिख सकते हैं, कई बार जेड बार लिखा होगा और वहां हम जेड बार की जगह क्या लिख जाएंगे जेड, लेकिन कब लिखेंगे जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कहीं z बार होगा, मैं z लिखूंगा तो समझ जाओगे कब लिखा गया होगा z बार को z, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉडुलर रहा होगा, इतनी बात समझ में आई। अच्छा इसी में होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये नोट हो गया था उधर वाला, इतना जल्दी से नोट करें, z बार को 1/z कब लिख सकते जब कैसा हो यूनिमॉडुलर हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो तभी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसी में एक बात और आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। लिखना बंद करें, इधर दो बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z की पावर माइनस वन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है वन बाई जेड। वन बाई जेड का मतलब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि z में यदि वन बाई जेड को मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब जैसे x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाई एक्स वन दे देगा। अब इसमें एक चीज समझना, इसमें हम लोग क्या करें, ये एक तरीके से डिवीजन हो रहा है क्या? अरे डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन के समय हमें करना क्या होता है, जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी कॉन्जुगेट से। जैसे ही नीचे आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, नीचे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, जेड बार ऊपर नीचे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना, जेड की पावर माइनस वन या वन बाय जेड, दैट इज जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। अब यहां देखो, यदि यूनिमॉडुलर हो जाए तो मॉड जेड की वैल्यू वन, तो भाई जेड की पावर माइनस वन मतलब वन बाय जेड को जेड बार या जेड बार को वन बाय जेड, वही चीज लिखी हुई है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है, नोट करें इसको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड की पावर माइनस वन। क्या फॉर्मूला होता है, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। स्पीड में नोट करें, क्योंकि क्वेश्चन आज थोड़ा सा ज्यादा है, अभी तो ये थ्योरी चल रहा है। पेन थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, कहीं थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत डिस्कस कर लेना, शर्माना वगैरह नहीं। नोट हो गया सभी का? चलिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। स्पीड में फाइंड करिए, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस का आयोटा, प्लस का आयोटा साइन टू थीटा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड मॉड ऑफ जेड, चलिए इधर देखो बेटा, जो नहीं कर पा रहे, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर। इसमें थोड़ा सा साइड में मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं, इसमें थीटा भी लिख दे रहा हूं। थीटा बिलोंग्स टू, थीटा का कुछ वैल्यू गिवन है पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू के बीच में इसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सबको आता है, क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना, वन प्लस कॉस टू थीटा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर टू थीटा। क्या ऐसा लिखेंगे? इसमें किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड कर दे बेटा, एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं पर कैलकुलेशन डाउट हो पूछ लेना, प्लस का टू ए बी, टू कॉस टू थीटा प्लस का साइन स्क्वायर टू थीटा। अभी इसमें बहुत ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, वन, और ये वन मिल करके कितना हो जाएगा, टू। तो अंडर रूट के अंदर कितना बन जाएगा, टू प्लस टू कॉस टू थीटा हो जाएगा क्या? इतना तो सबको कैलकुलेशन आ रहा होगा, स्पीड में इतना पहले नोट करें। पेन चलना चाहिए, इसके आगे भी पेन चलना चाहिए जिससे आ रहा है। इसमें यदि टू कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस कॉस टू थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू का स्क्वायर, फोर का रूट, फोर का रूट टू आया, कॉस स्क्वायर का रूट क्या मॉड कॉस लिखोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखते हैं, मॉड एक्स लिखते हैं कि एक्स लिखते हैं, मॉड एक्स लिखते हैं। तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये गलती कर सकते थे, क्या लिखोगे, मॉड कॉस थीटा। अब अंदर वाला मॉड हटाना तो अंदर वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी, अंदर वाला पॉजिटिव मॉड हट जाएगा, अंदर वाला नेगेटिव तो मॉड हटके माइनस लग जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट था, एंगल दे रखा है, क्या है, पाई बाय टू से, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, कौन कौन सा,
सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड में कॉस कैसा, मॉड हटेगा माइनस लगेगा, ये वैल्यू आ गई, ये क्या आया मैग्नीट्यूड। अच्छा एक चीज बताओ, ये वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। अरे बोलो भाई, कॉस कैसा माइनस टू कैसा नेगेटिव, मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव। जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा जीरो या उससे बड़ा होगा, कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जीरो लिख दे, इसका मतलब ओरिजिन से जेड की डिस्टेंस कितनी हो गई जीरो, इसका मतलब जेड आपका क्या बन जाएगा, जेड क्या बन जाएगा ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जीरो प्लस जीरो आयोटा। स्पीड में ये बातें नोट कर लेना थोड़ा सा, कहीं पर कैलकुलेशन में किसी को डाउट हो तो डिस्कस करें। नोट हो गया सभी का? चलिए इसमें एक और कॉम्प लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है जेड क्यूब प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, देन फाइंड मॉड जेड। आपको मॉड जेड निकालना है। पिछले क्वेश्चन में किसी को कहीं पर कैलकुलेशन में डाउट हो तो डिस्कस करें, जोड़ना घटाना या कुछ लॉजिकली कुछ लग रहा हो कि फर्जी का टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेन चलना चाहिए स्पीड में, जितना फास्ट आपका पेन चलेगा उतने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। बढ़िया से खूब प्रैक्टिस करनी कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, देन प्रोबेबिलिटी है, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये फिर उसके बाद एलसीडी, एलसीडी मतलब लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी, ये सीक्वेंस है, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद रिवीजन चालू हो जाएगा। मॉडुलस मतलब रिवीजन का मतलब आपको थ्योरी रिवाइज करना, लेक्चर लो आप मेरे से जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज करो, बस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। जनवरी मेंस तक तो सिलेबस ही हो पाएगा अपना। नोट हो गया? चलिए अब इधर देखो, किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड जेड। तो मॉड जेड के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, जेड के जैसा इधर रूट ले ले, इसमें रूट लेने पर जेड क्यूब प्लस का थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। इसमें किसी को डाउट, इधर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस सिक्सटीन। जेड क्यूब प्लस थ्री इधर हुआ, इधर क्या बन गया, प्लस माइनस फोर, सिक्सटीन का रूट फोर, रूट के अंदर माइनस वन, मतलब वो क्या बना आयोटा। जेड क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस थ्री प्लस माइनस फोर आयोटा हो गया। मुझे क्या चाहिए, मॉड जेड, यहीं पर मॉड ले ले, यहीं पर ये माइनस अंदर है, मॉड यहां पर ले लेंगे तो इसको क्या मॉड जेड का क्यूब लिख सकते हैं, पावर ऊपर चला जाता है। अभी प्रॉपर्टी बताई थी, जेड की पावर एन का मॉड, मॉड जेड की पावर एन। अभी इसका मॉड लोगे माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, का रूट लोगे तो कितना आएगा फाइव, क्या इतना निकल के आएगा। अरे बोलो भाई, तो मॉड जेड इक्वल टू क्या 5 की पावर 1 बाय 3 हो जाएगा, इधर 1 बाय 3 पावर, इधर 1 बाय 3। स्पीड में नोट करें, शुरुआत में यदि आप मॉड लेते हैं, लेट अस कंसीडर आपने शुरुआत में मॉड ले लिया, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये इधर मॉड लेने पर 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका फिर अंडर रूट ले लेंगे, आपने इसका अंडर रूट ले लिया तो इधर हो गया 4, नंबर है 4 हो जाएगा, खोल सकते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं प्लस में मॉड, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। नोट हो गया उधर वाला? चलिए इधर देखना बहुत ध्यान से, अभी कुछ लिखना नहीं, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर। आप गलती करोगे तो क्या करोगे, आप इसको सीधे मारोगे मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर और प्लस का टू मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू, बट ऐसा कभी लिखने की जरूरत नहीं, गलत कर जाओगे। ठीक है, ऐसा लिखते पता चला ए प्लस बी का क्या मारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही तो आता है। आपको क्या करना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का क्या है स्क्वायर, तो आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके उसके, अरे बोलो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। यदि आपसे कहा जाए मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है? जेड इंटू जेड बार। यहां जेड की जगह कौन है? जेड वन प्लस जेड टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट। अभी क्या कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? लास्ट लेक्चर पे बताया था। तो इधर क्या बचा? जेड वन प्लस जेड टू, इधर ये आपका कितना बचा? जेड वन बार प्लस जेड टू बार, मल्टीप्लाई मार दीजिए। जेड वन इंटू जेड वन बार का मतलब ये ऐसा हो जाएगा, जेड वन को जेड टू बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जेड टू को जेड वन बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपका जेड टू इंटू जेड टू बार हो जाएगा। इतनी बार बात आपको समझ में आ रही होगी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या ये बात बच जा रही है? इस बात को समझना, इधर देखना, लिखना बंद कर दो। माना कि ये जो z1 z2 बार है इसको हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना, क्या? अल्फा। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट लेके देखो, कॉन्जुगेट लेने का मतलब सबको कॉन्जुगेट मिलेगा। इसको कॉन्जुगेट मिला तो z1 बार हो गया, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करोगे तो z2 हो जाएगा। बोलो बेटा, अब यहां पर इन दोनों का क्या लिखा है? सम। इसको देखो, ये अल्फा माना तो ये क्या अल्फा बार है, इसका ये कॉन्जुगेट है, या इसको अल्फा मानो तो ये अल्फा बार हो जाएगा। आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं कि नहीं? अच्छा, इनको जोड़ दें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से जोड़ा जाए, क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? रियल पार्ट मिलेगा, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। याद है लास्ट लेक्चर पे क्या किया था? जेड प्लस जेड बार क्या लिखा था? टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड लिखवाया था कि नहीं? अब ऐसे मानो ये एक्स प्लस आयोटा वाई, ये एक्स माइनस आयोटा वाई, जोड़ा तो कितना बचा? टू एक्स, टू एक्स बचा कि नहीं? अच्छा, अब ये देखो, ये क्या है? अल्फा माना, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जुड़ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? टू टाइम्स रियल पार्ट, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर माना जेड वन जेड टू बार। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जेड वन जेड टू बार की जगह क्या लिख सकते हैं? जेड टू जेड वन बार। यदि इसको अल्फा मानेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसका मतलब मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर क्या बनेगा? मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, मतलब एडिशन है, प्लस का टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार, या फिर मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड टू इंटू जेड वन बार। इसको हम अभी आगे चल के थीटा के टर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। किसके टर्म में कन्वर्ट करेंगे? थीटा के टर्म में। अभी इतना नोट करें स्पीड में, कहीं पर यह डाउट लग रहा है तो पूछें, डिस्कस करें। हाँ बेटा, प्लस माइनस क्यों लिख सकते हो? अच्छा, मॉड हटा देंगे आप, ठीक है, तो वही चीज हो गई, पिछला वाला चला गया, आपने मॉड हटा दिया तो उधर प्लस माइनस लग गया, वही सेम चीज बन गई। नहीं, अलग नहीं आएगी, आप मुझे कैलकुलेशन दिखा देना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होगे आप। हाँ बेटा, एक मिनट, नोट हो गया बेटा? बेटा ये पास कर देना। आपने बोथ साइड मॉड ले लिया पहले, ठीक है,
कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। इसके बाद आपने इसको उसकी पावर में भेज दिया, 16 हो गया, फिर आपने रूट ले लिया, फिर आपने लिखा क्या है, आपने लिख दिया जेड क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 4। दिमाग में सोचो ये आपने रियल लिख दिया, जबकि इनिशियल इक्वेशन क्या है। फिर यहां से गड़बड़ हो गया मामला, ये नोट हो गया। अब सुनना बेटा एक चीज, जैसे आपको ये फॉर्मूला याद हो गया जेड वन प्लस जेड टू के मॉड का, क्या होता फॉर्मूला, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रियल पार्ट जेड वन इंटू जेड टू बार, या यहां पर जेड टू इंटू जेड वन बार, यहां माइनस आ जाए तो यहां माइनस आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। इसमें इतना किसी में डाउट, किसी को डाउट है कहीं पर कैलकुलेशन में? एक बच्चे ने क्या किया था इस पिछले वाले क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़े गलती बता देता हूँ, उसमें आप लोग भी कर सकते हो। पीछे था वो क्वेश्चन, ये उसने क्या किया, उसने कहा सर आप यहीं पे मॉड ले लो। अच्छा ये जो इसने किया था यहीं पर, ये कुछ यहाँ पर इसने मॉड ले लिया, या ऐसे लिख देते हैं एक बार, इसने यहाँ पर मॉड ले लिया, मॉड ऑफ जेड क्यूब प्लस 3 और इसका क्या था स्क्वायर, और इसका मॉड लिया, इधर मॉड लेगा तो 16 हो जाएगा नेगेटिव का। अब इसने कहा कि सर ये तो 2 तो इसकी पावर में जा सकता है, फिर इसने कहा सर रूट ले लीजिए, तो जेड क्यूब प्लस 3, ऐसा रूट लोगे तो इधर आपका ये 4 ही रहेगा क्योंकि मॉड नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है। फिर इसने कहा सर मॉड हटा दीजिए, जैसे इसने मॉड हटाया तो ये इधर क्या हो गया प्लस माइनस 4। बस यही गलती हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा यहां गलती है, क्या गलती हो गई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसने रियल बना दिया, जबकि इनिशियली आप यहां पर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, इमेजिनरी है, तो ये गलती हो गई यहां पर, लेकिन कैलकुलेशन दिख नहीं रहा गलत कहां हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये लॉजिकली यहां गलत हो गया। चलिए अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। अभी क्या सीखा, क्या सीखा, मॉड जेड, मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहां से डिस्टेंस होती, ओरिजिन से डिस्टेंस होती, मॉड जेड बराबर नंबर लिख दें तो सर्कल, लेकिन ये सर्कल बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी ये कुछ नहीं है, ये तो बस इनिशियली दिखा दिया ऐसा ये सर्कल होता है, ये तो पूरा एक लेक्चर इस पर आ जाएगा, सर्कल पर डिस्क वगैरह आ जाएगी, पूरा इंटीरियर रीजन, पूरा एक्सटीरियर रीजन, मैग्नीट्यूड आर्गूमेंट सब इसमें मिक्स होने लगेगा, बहुत खतरनाक, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जेई में आए इस पर बेस्ड, तो वो तो उसमें आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसी में। इसके आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, z की पावर n का मॉड लोगे मॉड z की पावर n हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z अपने रियल पार्ट से बड़ा या बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ z अपने इमेजिनरी पार्ट से बड़ा या बराबर, z का मॉड कॉन्जुगेट का मॉड बराबर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, इतना थोड़ा बहुत आ गया ना इतना। चलो भाई कितना डेट है आज, 10, ये पहला क्वेश्चन, चले स्पीड में आंसर करो इसका। आंसर करें स्पीड में, एनीवन किससे आ रहा है, रेज योर हैंड, एक मिनट से ज्यादा नहीं देने वाले इसमें, ये टाइम टेबल चलने वाला है, दिमाग लगाओ। ये आर्गुमेंट थोड़ा तो आता होगा यार, नहीं आता है, छोड़ दो छोड़ दो, एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लूँ कौन कौन कर सकते हो, ये आर्गुमेंट लग गया है, तुम लोग भी सोचो ये एआरजी लिखा क्या है, एक मिनट एक मिनट बेटा, दूसरा दूसरा वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये मत करो भाई,
तुम लोग अभी अभी कराएंगे इसको आर्गुमेंट वाला, दिक्कत में आ जाओगे नहीं तो। एआरजी नहीं जानते होगे, एआरजी होता क्या है? ये वाला तो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट लेक्चर के साथ मिक्स किया गया है। चलिए स्पीड में सॉल्व करें। जीरो आएगा, और कोई? पाई। और कोई? मैग्नीट्यूड ऑफ जेड पाई, पिछले वाले का। हाँ रियल है, वो रियल है, पाई आ जाएगा। ठीक है आराम से पहले क्वेश्चन नोट कर लें। अपना मेन टारगेट है क्वेश्चंस करना, थ्योरी तो सब ऐसे ही आता है सब आपको। मॉडुलस ऑडुलस सब पढ़े, आर्गुमेंट सब पढ़े, आप नहीं भी पढ़े तो बता रहे हैं। चले किससे किससे हो गया? वन आएगा, एक बच्चे का आंसर वन आ रहा है। कैसे किया बिटिया? गुड। वेरी गुड। और किससे हो गया? एक बच्चे से हो गया। और कोई? दो बच्चों से हो गया। और जितना दिमाग चला सकते हो चला लो भाई। वन आ रहा है, गुड। चलिए अच्छा एक चीज ये बताओ, इधर देखो बेटा क्या लिखा है। जेड एक क्या है? जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो भी कैसा? प्योरली इमेजिनरी। तो जैसे एक मैं पूछूं कि यार ये अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली इमेजिनरी। तो कुछ कल कंडीशन बताई थी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता, मतलब रियल पार्ट, या फिर जेड प्लस मतलब अल्फा प्लस अल्फा बार इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, या तो उसका रियल पार्ट जीरो करना है, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जोड़ दें तो जीरो के बराबर। क्या कंडीशन लिखवाई थी बेटा? पक्का? अच्छा एक चीज ये बताओ, रियल पार्ट कितना होता था? जेड प्लस जेड बार बाई टू, उसी को जीरो करने पर तो ये आया। ठीक है अब अल्फा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली इमेजिनरी। तो इसमें इसका कॉन्जुगेट जोड़ दिया जाए और इक्वल टू क्या आ जाएगा? अच्छा इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना, तो कॉन्जुगेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब जेड पर बार लग गया, वन तो रियल है उससे कोई दिक्कत नहीं, जेड पर बार लग गया और वन तो रियल है। क्या अभी एलसीएम वगैरह ले सकते हैं? नीचे डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम आया वो उधर जाके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने लिखा ही नहीं। समझ में आ रहा है? उधर जाके तो क्रॉस मल्टीप्लाई होना उसको। ठीक है इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इधर तो बेटा जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करोगे तो
मॉड जेड का स्क्वायर, फिर जेड को वन से मल्टीप्लाई करोगे जेड, माइनस वन को जेड बार से करोगे माइनस जेड बार, और माइनस वन को प्लस वन से करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का वन बन जाएगा क्या। अब इसके आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इंटू जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर, जेड इंटू दिस माइनस जेड, वन इंटू दिस जेड बार, और दिस इंटू दिस माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर कुछ कट पिट रहा है, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, और कुछ कट रहा है। मॉड जेड का स्क्वायर कितनी बार आया, दो बार, मॉड जेड का स्क्वायर दो बार आया, और माइनस वन उधर चला जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, टू से टू, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन ही होगा, प्लस माइनस वन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि मॉड नेगेटिव होता नहीं है। लास्ट लेक्चर पे मैंने ये बोला था कि जैसे प्योरली इमेजिनरी लिख के आ जाता है तो रियल पार्ट जीरो और अल्फा बार का सम कितना होगा, जीरो होगा। यही तो आपका जो रियल पार्ट बनता है दैट इज अल्फा प्लस अल्फा बार बाई टू बनता है, लिखवाया था। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करें, करके दिखाएं दूसरी तरीके से, नोट कर लें पहले इसको। कुछ कैलकुलेशन है नहीं, मल्टीप्लाई करना है, और कंडीशन पता है प्योरली इमेजिनरी की, अल्फा प्लस अल्फा बार इक्वल टू जीरो, और प्योरली रियल होता तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बार, उसमें इक्वल हो जाता है या डिफरेंस जीरो हो जाता है, आप ऐसे बोल सकते। देखो पेज पलट के देखो, उसमें लिखवाया पूरा, अब वो पीछे वाला नहीं लिखा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। रफ करें इसको, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कैसा है, प्योरली मतलब z माइनस वन अपॉन z प्लस वन, कैसा है प्योरली। अच्छा प्योरली इमेजिनरी का मतलब है इसमें ये वाला पार्ट जीरो, तो हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये कुछ k आयोटा है, क्या ये प्योरली इमेजिनरी लिख गया। k कैसा होगा, रियल बताया था ना, ठीक है। अब सुन लो बेटा, इसमें एक काम करते, इसको इधर उचका देते, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आया, अरे इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे z की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, इधर क्या बचेगा z माइनस वन, z को k आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे z k आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे k आयोटा, वन को मल्टीप्लाई, z वाला इधर गया z माइनस z k आयोटा, ये माइनस वन इधर आएगा, k आयोटा प्लस वन हो जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग देखें, इसमें क्या z कॉमन आ रहा है, जैसे ही z कॉमन लोगे तो 1 माइनस के आयोटा हो जाएगा, इधर क्या 1 प्लस के आयोटा है, तो z इक्वल टू ऊपर कितना 1 प्लस के आयोटा, नीचे कितना 1 माइनस के आयोटा, टेकिंग मॉड बोथ साइड, मॉड निकालना है क्या, अरे z पता चल गया, टेकिंग मॉड बोथ साइड, इधर मॉड लिया, ऊपर क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे उसका कॉन्जुगेट है, ऊपर वाले, या मैं लिख दे रहा हूं, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड 1 प्लस के स्क्वायर आएगा, अरे ये आएगा रूट, और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड भी 1 प्लस ऐसा कुछ आएगा, दोनों कट गए, वैल्यू कितनी आ गई 1, या फिर लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नीचे कॉन्जुगेट, मैग्नीट्यूड लोगे दोनों का मॉड इक्वल, कट जाएगा वैल्यू 1, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, नोट करें इसको स्पीड में। तो इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। चलिए एक और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन से क्या रिवाइज हुआ, अल्फा यदि प्योरली इमेजिनरी है तो अल्फा प्लस अल्फा बार इक्वल टू जीरो, अल्फा यदि प्योरली रियल है तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बार, या अल्फा माइनस अल्फा बार इक्वल टू जीरो, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रफ करें इसको,
जल्दी पेन चलाओ भाई। ये बस प्रूफ करना है आपको, कुछ है नहीं। एक बच्चे से हो गया। दो बच्चों से हो गया। पांच बच्चों से हो गया। छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, बहुत सारे बच्चों से हो गया। इधर तो बेटा, जैसे ये फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, ए जेड वन माइनस बी जेड टू, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है क्या? तो अभी ऐसा कुछ लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर। अरे इसका मॉड ऑफ ए का भी मॉड बनेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा, प्लस का दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे, माइनस का टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ए जेड वन है और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर बी जेड टू। तो बी तो कोई रियल नंबर है क्या? हाँ, बी रियल नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल किसका कॉन्जुगेट लेना है, जेड टू का। क्या ये पहला वाला आ गया? अच्छा, दूसरा वाला क्या लिखा है, बी जेड वन माइनस ए जेड टू का, ये इसमें क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मॉड ऑफ, बेटा प्लीज बातें नहीं, प्लस का टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या प्लस लगा कि प्लस है ना, फर्स्ट वाला कितना है बी, बी जेड वन सेकेंड वाले का कॉन्जुगेट ए जेड टू बार, इन दोनों को क्या करना है, एड, एड करोगे तो ये आपका इसी का वैल्यू निकालना है, इधर एड करोगे तो कितना कॉमन आएगा, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर कॉमन लोगे क्या कॉमन लोगे, मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। अब अगेन क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बचा, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, इधर क्या बचा, मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर, ऐसा बचा। या फिर आप क्या कर सकते थे, जैसे ए जेड वन माइनस बी जेड टू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए जेड वन माइनस बी जेड टू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट से ए जेड वन बार माइनस बी जेड टू बार पूरा मल्टीप्लाई करिए, फिर बनाइए, वही प्रोसेस जो हम लोगों ने किया था कैलकुलेट।
रफ करें इसको। चले किससे किससे हो गया। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो इधर देखो बेटा क्या लिखा है, उनको थोड़ा समझा दे कि लिखा क्या है। Z1, Z2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं बेटा, बातें नहीं। Z1, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सच दैट ये कहानी दे रखी है कि जो मॉड ऑफ Z1 है, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है। एक का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा। फिर ये कहना है कि इनको यदि ऐसी इंफॉर्मेशन है तो ये प्रूफ करना है। तो आप एक चीज देखो, इससे इसको प्रूफ करोगे कि इससे इसको, आपको क्या लग रहा है? अरे चाहे इससे इसको प्रूफ कर दे, या बात तो बराबर है। तो ज्यादा आसान आपको किधर से लग रहा है? ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि ऐसा हम लोग डील कर रहे हैं। आप इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, इसमें मॉड क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऊपर वाले का मॉड अलग
और नीचे वाले का क्योंकि डिवीजन में, तो ऊपर आपका दिख रहा है 1 माइनस जेड वन जेड टू बार, और नीचे वाले का मॉड अलग हो जाएगा, मॉड जेड वन माइनस जेड टू क्या लेस देन 1 हो जाएगा। बस हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई की कि भाई डिवीजन में थे तो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यार ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या इनइक्वालिटी पर कोई असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड है पॉजिटिव वैल्यू, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मॉड ऑफ 1 माइनस जेड वन जेड टू का बार लेस देन जेड वन माइनस जेड टू का। अब एक चीज और बताओ बेटा, यदि यहां पर हम स्क्वायरिंग मार दें, क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, तो इनके स्क्वायर करना तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। देखना, वन का कॉन्जुगेट तो लेने की जरूरत नहीं है, माइनस लगा जेड वन का क्या हो जाएगा और जेड टू के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या ऐसा हो जाएगा लेस देन। इधर भी वही चीज, जेड वन माइनस जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको इसके कॉन्जुगेट से, तो जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इधर थोड़ा मल्टीप्लाई, इधर थोड़ा मल्टीप्लाई, तो कुछ कटेगा पिटेगा। पेन चलाओ थोड़ा सा, आई होप ये बात इतनी तो समझ में आई होगी। अब यहां से थोड़ा बहुत अप्रोच कर सकते हैं, आपकी कुछ कहानी मॉड जेड वन मॉड जेड टू में बनने लगेगी। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, बेटा बातें नहीं आपस में। वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन बचा, जेड वन जेड टू का बार, जेड वन जेड टू बार कट जाएगा, कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, कितना बच रहा है एनी वन, कोई बता बेटा, बताओ बेटा, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ऐसा आ रहा है। क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फैक्टर कर दोगे तुम, हिंट दे रहा है, दो क्लास 11th के बच्चे हैं ये, एक दो और आंसर हाथ उठा देते हैं, तुम लोग पढ़ के आए, वो जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये दो, ये भी क्लास 11th का, इसलिए इसमें बुला रहे हैं, ये सब सिलेक्शन है हमारे, दे देंगे अगले साल 100 के अंदर रैंक, मतलब कभी पढ़े नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम तो जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पहली बार सुन रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
चलिए मेरी बात समझो बेटा, यार ये सारे टर्म्स मैं उधर भेज दूं थोड़ी देर के लिए, ये वन लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, ये इसके पास जाएगा वन के पास तो माइनस में हो जाएगा, ये वाले टर्म्स उस साइड जा रहे हैं, ये वाला उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसमें क्या बन जाएगा, ये उस साइड चला गया मतलब सब कुछ लेस देन, क्या ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है। एक बच्चे ने बोला कि सर फैक्टर कर दो, ये दिख रहा है आपको, इसमें वन कॉमन ले लिया, वन माइनस मॉड जेड वन का स्क्वायर, इन दोनों में कुछ कॉमन है, माइनस का मॉड जेड टू का स्क्वायर, माइनस का मॉड जेड टू का स्क्वायर गया क्या बचा, माइनस का मॉड जेड टू का स्क्वायर गया क्या बचा, मॉड जेड वन का स्क्वायर, अगेन कुछ कॉमन दिख रहा है, हो गए फैक्टर, हिंट दे रहा था भाई फैक्टर कर लो। तो अभी फैक्टर्स आई होप कर कर लिए होंगे आप लोगों ने, तो एक फैक्टर बन गया वन माइनस मॉड जेड वन का स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर आपका बन गया वन माइनस मॉड जेड टू का स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन जीरो, दिस इज लेस देन जीरो। अब ये जो आपके पास इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इस इनइक्वालिटी की मदद से इसको प्रूफ करना है। हो गया, एक बच्चे से हो गया, और कैसे किया बेटा आप बताओ, एक मिनट। इसने कहा सर मॉड ऑफ, इसमें देखो इसने कहा कि सर ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मॉड ऑफ जेड वन सर वन से छोटा है, वो प्रूफ करना है, सुन लो ठीक है, बढ़िया बात है, उसको बोलने दो। हाँ बोलो, इसका इसने बोला सर इसका स्क्वायर भी, इसका स्क्वायर भी वन से छोटा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो होता नहीं है, तो मॉड जेड वन से छोटा मतलब जीरो से वन के बीच में होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वन से छोटा, क्योंकि मॉड ये तो कोई क्वांटिटी वन से छोटी तो उसका स्क्वायर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सही जा रहा है कि भाई ये वन से छोटा होगा। सिमिलरली मॉड जेड टू वन से बड़ा है, तो इसने बोला कि सर इसके जेड टू का जो जेड टू का मॉड का स्क्वायर होगा वो वन से बड़ा आ जाएगा। अब सुनो बेटा बहुत ध्यान से, ये प्रूफ करना है, ये अपने पास इनइक्वालिटी है, वो गिवन है, हाँ या फिर वो गिवन है, ये जो लिखा है इसको प्रूफ करना है ट्रू, इसको चाहे जैसे भी प्रूफ कर दो आपकी मर्जी, ये गिवन है इसको ट्रू प्रूफ करना है कि इनका प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव, यही तो प्रूफ करना है भाई, ये चीज गिवन है इसको प्रूफ करना है, इससे ये चीज बन के आई, इनका प्रोडक्ट किससे छोटा है, जीरो से। अच्छा ये वाली जो क्वांटिटी है ये इतनी इतना पोर्शन, ये कैसा होगा, क्यों नेगेटिव होगा, मॉड जेड वन स्क्वायर किससे छोटा, वन से, ये सब्ट्रैक्ट किया वन से छोटी वैल्यू तो ये कैसा पॉजिटिव आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू कैसी होगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव पक्का, क्यों, मॉड जेड टू का स्क्वायर, मॉड जेड टू का स्क्वायर किससे बड़ा, वन से सब्ट्रैक्ट हुई वन से बड़ी वैल्यू तो कैसा नेगेटिव, ये कैसा और ये कैसा, तो प्रोडक्ट कैसा, क्या ट्रू प्रूफ हो रहा है, बस कुछ को तो समझ नहीं, प्रूफ क्या हुआ है, अरे इसको प्रूफ करना था ट्रू, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको प्रूफ करना मतलब इसको ट्रू प्रूफ करना, क्या ये ट्रू है इन वैल्यूज के लिए, बिल्कुल, एक पॉजिटिव है तो दूसरा, तो इनका प्रोडक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अभी जिसको ना आया हो, दिमाग घूम रहा हो, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से समझा सकते हैं, एक फैक्टर आपका पॉजिटिव है एक फैक्टर नेगेटिव है, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव दे देगा, यही प्रूफ करना था। रफ करें, नोट हो गया,
अभी ये तो शुरुआत है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनेंगे। आपको जितना नोट्स से उतना पूरा रिवाइज करके आना पड़ेगा, तब पीछे से जाके कोरिलेट कर पाओगे, नहीं तो भूले बैठोगे तो कुछ बाउंस मार जाएगा। रफ करें इसको, क्योंकि भाई कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सीधे बढ़िया बढ़िया जो होगा आगे इसमें क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पीछे दिख रहा है बेटा, क्या हो जाएगा इसमें दे रखा है मैग्नीट्यूड, बिल्कुल। Z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, W भी, क्योंकि W पे भी कॉन्जुगेट लगा रखा है, मतलब ऑब्वियस सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए अब टाइम ज़्यादा है नहीं, एक एक महीना समझो, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में ही करा दे रहा हूँ कि आपको अलग से पढ़ना अड़ना ना पड़े, सब यहीं हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना हो सकता है जेई मेंस के लिए, आपका आपको एक्स्ट्रा इसकी स्टडी नहीं करनी पड़े। जितने भी इधर चैप्टर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉबिबिलिटी, ITF, खूब सारे क्वेश्चन करा देंगे। आपने जो पीछे पढ़ रखा है बस आप उसकी प्रैक्टिस करो, अपना सेलेक्ट कर लो। मैं एक वीडियो भी अभी बना दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, किनका वेटेज ज़्यादा है, तो एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप उसको देख करके आप उसको उसके एनालिसिस कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपने से भी, आपके भी उसमें कुछ आपके फेवरेट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जो पूरा वीडियो आप ही से रिलेटेड हो, मतलब जनरली जो बच्चों के लिए होगा वो बनेगा, तो एक दो चीज़ें आप उसमें चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल 100% उसी को फॉलो कर लिया, अब हमने बता दिया कोई दूसरा चैप्टर वो पल्ले ही नहीं तुमको पढ़ता है, तो थोड़ी नहीं करना है। जितना आपने पीछे पढ़ रखा बढ़िया से रिवीजन प्रैक्टिस करो, इनमें प्रैक्टिस करने की अभी कोई जरूरत नहीं, क्लास में ही खूब सारे करा दूंगा, क्योंकि अपने पास खूब टाइम है, 3-4 चैप्टर्स बचे हुए हैं सिलेबस के लिए, तो वो बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। और ये जितने चैप्टर्स बचे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कोशिश होगी कि इस क्लास नोट्स से ही फंस जाए क्वेश्चन। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 0, 0 आंसर ऑप्शन। आंसर इज 0, गुड, 0 आ रहा है, ठीक है, गुड।
किसका किसका आंसर आ रहा है? एक तो गुड, दिक्कत में तो मैं भी चला जा रहा हूँ। जब 11th वाला बच्चा हाथ उठा देता तो मुझे लगता, मैं जब क्लास 11th में था मुझे इतना नहीं आता था, टीचर पढ़ाए भी तो मेरे नवोदय में बस केवल NCERT पढ़ा देते थे, तो उसके आगे कुछ जानते ही नहीं थे हम लोग। हाँ बेटा, कैसे किया आपने? तो बेटा कितना बढ़िया लॉजिक, इसने कहा सर क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, इसने कहा सर रियल पार्ट फाइंड करना है अल्फा का, और इसको पता कि सर ये अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखा है, तो मैंने आपको बोला था कि जो रियल पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं बाय टू, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, बोलो भाई। तो इसने कहा सर जो रियल पार्ट होता है उसमें मुझे अल्फा बार की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा बार। तो इसने कहा ठीक है, इसकी इसको सोचते हुए इसने कहा सर अल्फा बार निकाल के देखते हैं क्या होता है, इसने कहा सर अल्फा बार निकाल के देखते हैं। तो इसने कहा कि सर ये अल्फा तो आपके सामने है, अल्फा कितना है बेटा, प्लीज बातें नहीं, जेड माइनस डब्ल्यू का बार अपॉन में के स्क्वायर माइनस जेड डब्ल्यू बार, ऐसा लिखा हुआ है क्या, प्लस ये लिखा हुआ है। इसने कहा क्या फाइंड करना है, अल्फा बार, क्यों फाइंड करना है, अल्फा पता है अल्फा बार आ जाएगा, दोनों को ऐड करके और टू से डिवाइड कर देंगे। अब इसने कहा सर अल्फा बार निकालना है तो इधर कॉन्जुगेट लिया तो इधर भी, और कॉन्जुगेट क्या होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट, तो जेड पे क्या लग जाएगा और ये डब्ल्यू हो जाएगा, और यहां के स्क्वायर, के रियल नंबर है क्या, के पॉजिटिव है, के रियल नंबर है, यहां पर क्या हो जाएगा जेड बार और ये डब्ल्यू, ऐसा हो गया। अब इन्होंने कहा सर ये अल्फा बार आ रहा है, एक चीज और ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास है, तो यार ये जो इंफॉर्मेशन क्या जेड स्क्वायर प्लस इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है क्या, ऐसी इंफॉर्मेशन है? अरे स्क्वायर स्क्वायर मार दिया। अच्छा ये बताओ जेड इंटू जेड बार डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार इक्वल टू के स्क्वायर है क्या? आप अल्फा में देखें तो जेड है और डब्ल्यू बार है, इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें जेड में बार है और डब्ल्यू, तो एक काम करते हैं हम इसको जेड और डब्ल्यू बार में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, जेड बार को क्या लिख सकते हैं, जेड बार को क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बाई जेड, तो जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके जैसा बनाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो जेड बार को हमने क्या लिखा, के स्क्वायर बाई जेड। अच्छा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसमें डब्ल्यू बार के टर्म में डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बाई डब्ल्यू बार। अच्छा अपॉन में ये के स्क्वायर लिखा है, ये डब्ल्यू है, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, K स्क्वायर अपॉन W बार, कोई डाउट है किसी को? अच्छा ये K स्क्वायर, Z बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K स्क्वायर बाई Z, और W की वैल्यू क्या हो जाएगी, K स्क्वायर बाई W बार, ऐसा हो जाएगा क्या? ऊपर से K स्क्वायर नीचे से K स्क्वायर कट जाएगा, इधर थोड़ा LCM ले ले, क्या LCM मिलेगा, Z इंटू W बार, तो W बार इसको मिला, Z इसको मिला, और जो LCM है इसका क्या है, Z W बार, इसका भी LCM, दोनों ये इसको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा Z W बार, और यहां क्या एक K स्क्वायर बचेगा, K स्क्वायर बचेगा, क्या ऐसा कुछ बच रहा है, क्या ये अल्फा बार है? अब अल्फा की शक्ल देखो, अल्फा था Z माइनस W बार अपॉन में के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार,
और जो अल्फा बार आया है क्या वो इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो z माइनस w बार अपॉन k स्क्वायर z w बार आया है क्या? क्या अल्फा बार इक्वल टू ये माइनस लगा, क्या ये अल्फा है? ये उधर चला जाएगा तो अल्फा और अल्फा बार का सम, अल्फा अल्फा बार का सम जीरो, जीरो अपॉन टू, रियल पार्ट इज जीरो। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम कितना है, जीरो। तो ये कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो, नोट करें इसको। तो ये थोड़ा सा मैग्नीट्यूड को हमने कराने की कोशिश की, ऐसे क्वेश्चंस आगे चल के मिक्स होंगे। इसमें सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अल्फा प्लस अल्फा बार बाई टू क्या होता है, रियल पार्ट। और क्या बताया था, अल्फा माइनस अल्फा बार अपॉन टू आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इसमें नीचे आयोटा भी होता है, वो जो कैलकुलेट किया था उसमें तो आयोटा आया था। वैसे इमेजिनरी पार्ट वाई होता है, उसमें आयोटा नहीं लेते। रफ करें इसको, अभी इसके आगे हेडिंग हम लोग डालते हैं। या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड निकालना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर आर्गुमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंगल से, किससे होता है, थीटा से। कभी एम्पलीट्यूड पूछा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर आर्गुमेंट पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, थीटा। जैसे ये ऐसे बोला जाए कि आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, इसका मतलब आपको उसका क्या निकालना है, थीटा। अब ये कौन सा थीटा है इसको भी समझना है। ये जो थीटा है, एंगल बिटवीन रियल एक्सिस एंड ओजेड लाइन, रियल एक्सिस एंड ओजेड लाइन। अब ये है क्या, इधर देखो बेटा, लिखना नहीं, बहुत ध्यान से समझना है। ये कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस। ये कौन सा, इमेजिनरी एक्सिस है। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूं, इस जगह पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स कैसा है, रियल। वाई कैसा है, रियल। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट हम लोग ट्रीट करते हैं, एक्स कॉमा वाई। ये ओरिजिन है, ये लाइन क्या बनी, OZ। ये कौन सी एक्सिस है, रियल एक्सिस। लिखते एक्स लिख सकते हो, रियल एक्सिस और OZ के बीच का एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिख दे माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉमा थ्री, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका यदि आर्गुमेंट फाइंड करना होता है तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से चलना होता है। माना कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, वाई, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, एक्स। क्या ये थीटा निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्या ये वैल्यू आ जाएगी, अरे टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। मैं थोड़ी देर के लिए इस पे मॉड लगा देता हूँ, हालांकि मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं, एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि आपको आंसर देना है तो इतना तो पता चल रहा है, 90 से और 180 से कम, तो इसमें जो आपका आर्गुमेंट आएगा दैट इज पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, सुनना बेटा। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, ये जेड है, तो आपका जो आर्गुमेंट वाला थीटा है वो ये है, ये फाइंड करना है। अब इसमें
यहां पर एक ये छोटा सा ट्रेंगल बनाते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे रिक्वायरमेंट इसकी है, मुझे ये थीटा चाहिए, बट ये ट्रेंगल आपका इधर बन रहा है। आप इसको मॉड वाई मान लें और इसको क्या मान लें, मॉड एक्स। तो क्या ये एंगल निकाल सकते हैं? ये जो एंगल आएगा टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स आएगा क्या? बोलो भाई, ये वाला एंगल। अब हमें करना क्या, इस टोटल 180 से ये वाला जो एंगल क्या कर देना है, सेपरेट। क्या वो ये इतना एंगल दे देगा? तो 180 से हमने ये वाला जो एंगल ये है उसको क्या कर दिया है, सेपरेट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गुमेंट होता है दैट इज पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। अच्छा अभी एक चीज देखना, जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलूं कि यार ये एंगल 30 है, तो क्या फोर्थ वाले में ये एंगल माइनस 30 बोल सकता हूं? तो इसमें कभी आंसर करना तो ये आएगा इसका आर्गुमेंट माइनस का टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, और इस वाले में तो सेकेंड वाले का नेगेटिव, जैसे इसमें 120 तो इसमें क्या बोलेंगे, माइनस 120, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव आ जाएगा, मतलब माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। भाई इसका नेगेटिव करना है तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, लेकिन ये जो लिखे हुए आर्गुमेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं, ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो आपका माइनस पाई से पाई के बीच में रहता है, माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है। मतलब जो भी आंसर करना है वो माइनस पाई से प्लस पाई, ये प्रिंसिपल। वहीं इसमें एक और टर्म यूज होता है, अभी लिखना नहीं बहुत ध्यान से, लीस्ट आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, लीस्ट आर्गुमेंट भी कभी कभी पूछते हैं। अब ये लीस्ट आर्गुमेंट क्या होता है, इसका जो रेंज होता है वो जीरो से शुरू होता है और कहां तक जाता है, 2π तक जाता है। कहां तक जाता है, मतलब इसमें नेगेटिव आंसर नहीं करते, जबकि प्रिंसिपल वैल्यू में माइनस पाई से प्लस पाई तक का आपका आंसर करना होता है। इस वाले केस में यदि आपको आंसर देना है तो बहुत ध्यान से समझना, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। यदि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर करना है, भाई यही सेम आंसर कर सकते हैं। ये जो आंसर लिखा हुआ क्या ये 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 तो इसमें दे सकते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका आंसर होगा दैट इज टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। अच्छा ये जो आंसर लिखा क्या 180 से छोटा है, अरे बोलो भाई, और 90 से बड़ा, 90 से बड़ा 180 से छोटा इसमें होगा कि नहीं होगा? मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही आपकी कौन सी वैल्यू होगी, लीस्ट। मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। बस लफड़ा इन दोनों में आएगा क्योंकि इनमें ये नेगेटिव है और नेगेटिव आंसर नहीं कर सकते। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे तो 180 से बड़ा, तो 180 से बड़ा होने का मतलब क्या, पाई प्लस कर देंगे, पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स लिख देंगे। अरे पाई प्लस मतलब 180 से बड़ा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 360 से छोटा, तो इसका मतलब 2π माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स कर देंगे क्या? अब एक चीज इसमें समझना, एक इसमें जनरल सॉल्यूशन भी होता है। क्या होता है, जनरल, जनरल आर्गुमेंट। तो जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, इसमें आप चाहे तो प्रिंसिपल वैल्यू में प्लस 2nπ कर दें, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं जो लीस्ट वैल्यू आई है उसमें भी 2nπ जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। चाहे प्रिंसिपल वैल्यू में 2nπ जोड़ दीजिए या लीस्ट वैल्यू में। ऐसा क्यों, मेरी बात समझो, जैसे ये जो z है इसने रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। इसको एक रोटेशन पूरा दे दीजिए तो 360 प्लस थीटा भी तो बोलोगे, फिर एक और रोटेशन दे दीजिए तो 720 प्लस थीटा, क्या 2nπ जुड़ता जा रहा है? तो जितने भी दुनिया के ये एंगल्स बन सकते हैं सारे आते चले जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, जनरल आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट आपके कितनी तरीके के होते हैं, तीन। एक कौन सा, प्रिंसिपल, कहां से कहां लाई करता है, माइनस पाई से पाई, पाई पर, पाई पर क्लोज, माइनस पाई पर ओपन। अच्छा दूसरा, लीस्ट आर्गुमेंट कहां से कहां तक, 0 से 2π तक, 0 पर क्लोज, 2π पर ओपन। जनरल आर्गुमेंट लिखना तो प्रिंसिपल वैल्यू में 2nπ जोड़ दो, या फिर लीस्ट आर्गुमेंट में 2nπ जोड़ दीजिए, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। अच्छा जैसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर करना है तो क्या करोगे, टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में
पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड वाइब एक्स, प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे रहे हैं। थर्ड वाले में माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड वाइब एक्स, फोर्थ वाले में माइनस टेन इनवर्स मॉड वाइब एक्स। इसमें समझ में आ रहा है, नोट कर लो स्पीड में। इसका ज्योमेट्री तो बहुत बढ़िया बढ़िया ज्योमेट्री रहता है आर्गुमेंट का। ये रे होता है, क्या होता है रे, समझते हो? अभी तो ये पूरा ज्योमेट्री आएगा, खतरनाक क्वेश्चन साइंस पर बेस्ड। बट ज्योमेट्री वाले एक साथ क्वेश्चन कराएंगे, नहीं तो फिर एकदम से तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। बस थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने कि वो जो मॉड जेड होता है वो क्या होता है, मॉड जेड बराबर नंबर लिख दिया तो सर्कल हो जाता है। अभी बस इतना आता है, कहीं दिख जाएगा तो हम बोल सकते हैं भी ये सर्कल है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, पूरा एक लेक्चर लग सकता है उस पर। स्पीड में नोट करें बेटा। स्पीड में नोट करो बेटा। बातें नहीं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, जिनका लिख गया z इक्वल टू वन प्लस कॉस सिक्स पाई बाई फाइव प्लस का आयोटा साइन सिक्स पाई बाई फाइव। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट फाइंड करना है। चलिए, आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक छोटा सा एग्जांपल देखो बेटा। जैसे हम आपसे बोले कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ भी माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा, ठीक है? सिंपल सा एग्जांपल पहले देते हैं।
इसको देखें तो ये एज अ पॉइंट आपका किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, कौन सा? तो सीधे सीधे सेकेंड क्वाड्रेंट में आप क्या आंसर करते हैं, पाई माइनस टेन इनवर्स, मतलब आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में यही देखना होता कि किस क्वाड्रेंट में है, तो उसी हिसाब से आंसर लिख रहे हैं। फिर क्या लगाओगे, मॉड वाई बाई एक्स, एक्स की जगह माइनस वन बट प्लस वन लिख दे रहे हैं क्योंकि मॉड तो ले ही ले रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, रूट थ्री 60, मतलब पाई बाई थ्री, मतलब आंसर इज 2π/3, ये आर्गुमेंट आ जाएगा, ऐसा तो समझ में आ रहा होगा। अब इस वाले केस में ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस वाले में देखो सबसे पहले तो बेटा प्लीज बातें नहीं, सबसे पहले तो ये देखना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, ये वाला नंबर कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा, ये जिंदगी में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वन में कॉस जोड़ रहे हैं, वन में कॉस का वैल्यू कहां तक जा सकता है, माइनस वन से वन तक, माना कि ये माइनस वन भी हो गया तब भी जीरो रहेगा, तो रियल जीरो तो नहीं होने वाला क्योंकि कॉस की वैल्यू माइनस वन कब होती है, कॉस पाई, कॉस पाई और थ्री पाई, इन पे वैल्यूज क्या होती, तो इस पे माइनस वन तो नहीं है, इसका मतलब माइनस वन से वन के बीच में, वन भी नहीं है ये क्योंकि कॉस जीरो वन होता है, कॉस टू पाई वन होता है, तो ये माइनस वन से वन के बीच में, और कोई ऐसी वैल्यू जो माइनस वन से वन के बीच में उसमें वन में जोड़ी जाए तो ऑब्वियस सा वो पॉजिटिव ही, अरे वन में कुछ हम जोड़ रहे हैं जो कि माइनस वन से वन के बीच में, ये वैल्यू कैसी आएगी, अरे पॉजिटिव आएगी कि नहीं, यदि मैं ये बोलू यार वन में माइनस टू जोड़ दीजिए तो नेगेटिव आ जाता है, लेकिन इसके बीच का कोई भी नंबर इसमें जोड़ोगे तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो रियल पार्ट कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा ये वाला कैसा है, एंगल देखो साइन के अंदर कितना है, 180 से बड़ा, 270 से छोटा, मतलब कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन कैसा देगा वैल्यू, नेगेटिव, तो ये साइन वैल्यू कैसी दे रहा है, नेगेटिव। अब सुनना बेटा, रियल ये जो आपका रियल पार्ट था वो कैसा, पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट कैसा, नेगेटिव, तो ये आपका जो पॉइंट है कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंट हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब अपना जो आंसर जाएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब डिपेंड करेगा हम सॉल्यूशन कौन सा लिख रहे हैं, प्रिंसिपल या लीस्ट, तो वहां ऑप्शन देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन है, जीरो से टू पाई के बीच वाले या नेगेटिव वगैरह, भी कुछ भी लिखोगे, हालांकि आप कुछ भी लिख दोगे तब भी आंसर निकल आएगा, चाहे लीस्ट लिख दो चाहे आप प्रिंसिपल वैल्यू लिख दो तब भी लास्ट में आंसर सेम ही निकाल देंगे हम। देखना कैसे, माना कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं तो आर्गुमेंट ऑफ क्या निकालना है, जेड, हमें क्या लिखना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सबसे पहले माइनस, फिर क्या लिखेंगे tan इनवर्स, फिर क्या लगाएंगे मॉड वाई, वाई की वैल्यू साइन 6π/5 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 cos 6π/5। क्या इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी, अब इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, ये इधर रफ कर दें, आप एक चीज, कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए भाई साइन थीटा अपॉन 1 cos थीटा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो यार आप क्या लिखोगे, साइन थीटा को 2 sin θ/2 cos θ/2 और 1 cos θ को 2 cos²θ/2, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आ रही होगी, 2 से 2, साइन से साइन नहीं, कॉस से कॉस, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, मतलब कितना बच रहा है tan θ/2, मतलब जो इसमें एंगल है उसका यहां हाफ एंगल है, तो इसमें बचता हुआ क्या दिख रहा है, माइनस का tan इनवर्स और मॉड के अंदर, किसके अंदर क्या लिखोगे, tan एंगल का आधा, तो इसका एंगल का हाफ करोगे तो कितना बचेगा 3π/5। अब एक चीज और देखो, मॉड लगा हुआ है तो अंदर वाला देखना पड़ेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका वैल्यू निकाल पाओगे क्या 3π/5 का, कितना 108, 10 108 नहीं आता ना,
पता है क्या, अरे 30 आता 60 आता है, कुछ को तो 90 नहीं आता होगा तो 108 क्या आएगा। अरे बोलो भाई कितना बन रहा है, 108 बन रहा है क्या? आता जाता है, मुझे नहीं आता तो आपको कहाँ आ जाएगा। 10x108 डिग्री आता है, मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंपली फाइ ये देखना पड़ेगा यार, ये एंगल 108 है मतलब किस क्वाड्रेंट में, टेन कैसा नेगेटिव, मतलब मॉड हटेगा माइनस लगेगा। बात समझ में आ रही, मॉड के अंदर नेगेटिव है ना, मॉड हटा माइनस लगा, दो कितना बढ़िया चल रहा है, माइनस लगेगा। इसमें किसी को कोई डाउट हुआ, इसमें डाउट हो तो पूछ लो, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत। टेन इनवर्स क्या करता है, अंदर वाला माइनस बाहर फेंक देता है, तो माइनस माइनस प्लस, अब बना क्या, टेन इनवर्स, अंदर क्या बना, टेन। अब आप तो बिल्कुल एकदम खुश हो गए, मन प्रफुल्लित हो गया कि भाई टेन इनवर्स से टेन, लेकिन ऐसा कटता पिटता ये सब गलत बात है ना, ऐसा जानते हो गए आप। ये बताओ बेटा टेन इनवर्स से टेन एक्स कब कटता है और कब एक्स देता है, जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। या क्या बात, बढ़िया सब बोल रहे हो, सब पढ़ रखे हो, मैं लग रहा है वन शॉट है तो बढ़िया चीज है, तब तो आ रहा है। तो अब सॉल्व करके बताओ फिर आंसर कितना आएगा, माइनस टू पाई, फोर्थ क्वार्टर में आना चाहिए माइनस टू बाई टू, माइनस टू पाई बाई फाइव, गुड। और बच्चे सोचो माइनस टू पाई बाई फाइव कहां से आ गया, वो तो दिख ही नहीं रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, पाई माइनस, क्यों ऐसा चेंज करें, क्योंकि ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पाई बाई टू के बाहर है, तो हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, पाई माइनस टू पाई बाई फाइव, क्या अभी भी वही लिखा हुआ है, अरे पाई से टू पाई बाई फाइव जाएगा, वही तो लिखा हुआ है। अब इसको ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो टेन इनवर्स, अंदर टेन, टेन 180 माइनस थीटा, माइनस का टेन और कितना थीटा की जगह टू पाई बाई फाइव। अब मेरी बात समझना बेटा, अब टेन क्या करेगा, सॉरी टेन इनवर्स क्या करेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और टेन इनवर्स के अंदर क्या बचा, टेन टू पाई बाई फाइव। टू पाई बाई फाइव क्या इस रेंज में है, टू पाई बाई फाइव कितना एंगल, लगभग 72, ये 90 से छोटा, इसके बीच में मतलब ये दोनों कट गए, और माइनस का 2 पाई बाई 5, माइनस का 72 डिग्री आ गया, मतलब किस वाले क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ वाले में चला गया, आंसर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ये भी तो दिखना चाहिए। अच्छा इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल वैल्यू माइनस 2 पाई बाई 5 प्लस का 2n पाई। सुनो बेटा, माना कि आंसर में आपने इसका, उन्होंने आर्गुमेंट पूछा, प्रिंसिपल वैल्यू तो नहीं बोली, और उन्होंने आर्गुमेंट जब पूछा तो ये आंसर में नहीं है, ये आंसर में भाई, उन्होंने तो आर्गुमेंट पूछा, प्रिंसिपल वैल्यू तो नहीं पूछी, ये अपना आंसर क्या प्रिंसिपल वैल्यू है, लेकिन सोल्यूशन तो कोई भी हो सकता है, अपना जनरल सोल्यूशन के हिसाब से भी तो आ सकता है। एन की वैल्यू जीरो रखने पर क्या मिल रहा है, माइनस टू पाई बाई फाइव, वन रखने पर कितना, एट पाई बाई फाइव, ये ऑप्शन हो सकता है, मान लीजिए ये नहीं लिखा तो क्या लिखा होगा, एट पाई, टू रखने पर कुछ जो आएगा वो लिखा हो सकता है, माइनस वन रखने पर किसको, एन को सेट कर रहे हैं, एन की वैल्यू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो वन टू ये पुट करते जा रहे हैं, यदि ऐसा जो निकाला ऑप्शन वो नहीं है तो इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता कि हमने ऑप्शन निकाला मैच नहीं किया, तो हम जनरल वैल्यू के पास जाएंगे और एन पटकने लगेंगे और वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें
इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने थे तो सुनना बेटा, ए आर जी, अभी सब अपने मन से लिख दोगे आप, जेड वन इंटू जेड टू, ए आर जी मतलब यहां प्रोडक्ट में है, उनका आर्गुमेंट निकालना है, जेड वन अपॉन जेड टू, आर्गुमेंट ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर एन। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो ये आर्गुमेंट होता बिल्कुल लॉग के जैसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, जैसे लॉग एम प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग लॉग एन। अच्छा ये जो आंसर आएगा जरूरी नहीं कि वो मैच करे, तो हम प्लस का क्या कर देंगे, टू एन पाई, वो अपने आंसर में कर लेंगे फिर उसको मैच करा लेंगे। इसको क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, किसके जैसा चल रहा है, लॉग के जैसा, लॉग क्या करता है पावर, तो n आगे आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। अच्छा जैसे आपसे पूछा जाए आर्गुमेंट ऑफ z बार, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, इधर तो बेटा लिखना बंद करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z बार क्या होता है, तो यहां चला जाएगा, यदि ये थीटा है तो ये, तो इसका मतलब माइनस का आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, अरे जस्ट अपोजिट साइन के होंगे, ये 30 है तो ये माइनस 30 होगा, इसका मतलब इसका 30 तो इसका आर्गुमेंट माइनस 30 हो जाएगा, अपोजिट साइन के हो जाएंगे, नोट करें इसको स्पीड में। नोट हो गया बेटा, इसमें एक और बढ़िया बात है, जैसे अभी तक जो आर्गुमेंट्स निकाल रहे थे वो हम केवल ये देख रहे थे वो किस क्वाड्रेंट में है, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी क्वाड्रेंट में हो, एक्सिस पर भी तो हो सकता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्गुमेंट एक्चुअल में ये पॉइंट कहां जाएगा, इस जगह जाएगा 2,0, यदि इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बन जाएगा, जीरो, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले एक्सिस पर है तो इसका आर्गुमेंट जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सिस पर है तो इसका आर्गुमेंट कितना पाई बाई टू हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सिस पर है तो इसका आर्गुमेंट पाई हो जाएगा, ब्रैकेट में आर्गुमेंट उसका लिख रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सिस पर है तो उसका आर्गुमेंट कितना माइनस का पाई बाय टू या फिर थ्री पाई बाय टू, वो टू एन पाई जोड़ दीजिए उसमें, उसी हिसाब से एडजस्ट होने लगेगा। अच्छा अब जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने ये बोला कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या आर्गुमेंट ऑफ आपको निकालना है ए आर जी ऑफ माइनस का बीटा, माइनस का वेयर बीटा इज पॉजिटिव, बीटा इज पॉजिटिव रियल नंबर, कैसा, बीटा इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो बीटा पॉजिटिव उसके आगे क्या लगा माइनस, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रियल नंबर है ना, तो नेगेटिव रियल नंबर कहां पर जाएगा, क्या इस जगह कहीं जाएगा, अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो इसको नोट कर ले स्पीड में। तो एक्सिस पर भी आर्गुमेंट हो सकता है, आपको यह देखना होगा यह प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, अरे प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी हो गया तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये ऑब्जर्व करना कि वो किस एक्सिस पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इक्वल टू 17 पाई अपॉन 18, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू इक्वल टू 7 पाई बाई 18, आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया है इस क्वेश्चन में।
z1 इंटू z2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट। माइनस नोट हो गया भाई। चलिए अब एक चीज दो बेटा, इसका आर्गुमेंट निकालना है। किसका आर्गुमेंट निकालना? आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 किसके जैसा ट्रीट होगा? लॉग के जैसा। क्या लिखोगे? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। z1 का आर्गुमेंट कितना है? 17π/18। आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना है? 7π/18। ऐड करके बताओ, कट करके बताओ, 4π/3 ऐसा आ रहा है। क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है? ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई से बड़ा है। पाई से तो हम क्या करेंगे, सुनिएगा, अब प्रिंसिपल नहीं आया बट प्रिंसिपल बनाना है तो हम लोग क्या इसको कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। अब हम लोग वैल्यू एन की पुट करेंगे कि अपना रिजल्ट किसके बीच में आ जाए, माइनस पाई से पाई के बीच में। जैसे जीरो रखने पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वन रखने पर और बड़ा हो जाएगा। माइनस वन रख के देखें, यदि माइनस वन रखोगे एन की वैल्यू तो माइनस वन रखने पर ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2π/3। क्या ये पाई, माइनस पाई से पाई के बीच में है? इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू। मान लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आई तो हम उसको क्या कर देंगे, जनरलाइज। फिर एन के हिसाब से हम उसमें क्या कर लेंगे, उसको प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू 2+2√3 प्लस का 2i की पावर 8 अपॉन में 1 - i की पावर 6 प्लस का 1+i की पावर 6 अपॉन में 2√3 माइनस टू आयोटा की पावर 8। इसका आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है, इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। 2√3 + 2i/8 अपॉन 1 - i/6 1+i/6 2√3 - 2i/8। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नोट हो गया? चलो बेटा लिखना बंद करो भी, इधर समझो पहले। ये वाला नोट हो गया था, इधर समझो बहुत ध्यान से। जैसे मैं आपसे बोलूं यार 1+i ये लिखा हुआ है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा? अरे ये पॉइंट क्या लिखा है, 1, 1, 1 लिखा हुआ है। कौन सा क्वाड्रेंट है? आंसर क्या लिखोगे? tan inverse 1/1। tan inverse 1 मतलब π/4 है। यदि मैं इसका, ये समझ में आ रहा है ना, इतना तो सेट समझ में आ रहा होगा भाई। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? π/4। पक्का निकाल सकते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan inverse 1/1। tan inverse 1 की वैल्यू π/4। मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ करने वाला हूं, इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मल्टीप्लाई बाय कोई भी पॉजिटिव नंबर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर। मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप किसी से भी करके देखना। ये क्या बनेगा? 5+। अब मैं आपसे पूछूं कि यार इसका आर्गुमेंट बताओ,
वही आएगा, क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है, इमेजिनरी पार्ट कितना, रियल पार्ट कितना, 5/5, 1 tan inverse 1, 5/4, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके आर्गुमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले तो ये स्ट्रेट ये लाइन नोट कर ले, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके आर्गुमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर इज नो चेंज इन आर्गुमेंट इफ वी मल्टीप्लाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बाई पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। वैसे इमेजिनरी वगैरह पॉजिटिव बात ही नहीं करते उसमें, वैसे भी पॉजिटिव नंबर का मतलब रियल नंबर हो जाता है। अपनी भाषा में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में जैसा भी समझ में आए, देयर इज नो चेंज इन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ वी मल्टीप्लाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बाय पॉजिटिव नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यदि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो। जैसा भी आपको समझ में आ रहा अपनी भाषा में लिख ले। तो अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, आप कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, अरे ऐसा फॉर्म दिखेगा तभी तो आप आर्गुमेंट निकाल पाओगे। अरे ये तो पता चले कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ऐसा फॉर्म दिखना चाहिए ना, रियल पार्ट अलग दिखना चाहिए, इमेजिनरी अलग दिखना चाहिए, फिर उसमें देखेंगे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा। अभी इसमें तो कुछ दिख ही, और आर्गुमेंट अलग अलग भी नहीं कर सकते, बीच में क्या लगा है, प्लस। तो जैसे आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो इसमें कोई लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज नहीं होती, ये तो होता नहीं कि लॉग अलग अलग हो जाता है। अरे लॉग तो अलग अलग नहीं होता है ना, ऐसा कोई प्रॉपर्टी लॉग की नहीं होती, तो ये तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें यदि इसका आर्गुमेंट निकालना तो सबसे पहले सिंपलीफाई, टेक एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए बेटा, स्पीड में एलसीएम लोगे तो नीचे 1 - i/6 इंटू 2√3 - 2i/8 हो जाएगा। ऊपर देखो, इधर इधर देखो बेटा, लिखना बंद करो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके मैग्नीट्यूड का, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉन्जुगेट, जैसे 2√3 + 2i लिख के दिखा दे रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2√3 - 2i से, इन दोनों की पावर कितनी है, 8। अरे यही मल्टीप्लाई होंगे ना आपस में, तो a प्लस बी ए माइनस बी ऐसे ही होगा ना। तो आप लिखोगे इसका स्क्वायर कितना आएगा, और माइनस इसका स्क्वायर, प्लस की कुछ वैल्यू आ जाएगी, सीधे सीधे इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 4 का मैग्नीट्यूड का, अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, मैग्नीट्यूड कितना आया, उसका स्क्वायर 16 की पावर 8। आप कैलकुलेट करके देखो, ये 16 की पावर क्या बन रहा है, 8। मन नहीं मान रहा तो कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई करके देखो। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर, पक्का इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसमें किसी को कोई डाउट है। अच्छा अभी एक काम करते हैं, सुन बेटा इतना लिख गया, इतना पहले नोट कर लो, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेने वाले हैं। सुनना इधर देखना बहुत ध्यान से, इस Z का क्या निकालना था। अच्छा मैंने एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिखा, सुनना बेटा, मैं ये पॉजिटिव नंबर गायब कर देता हूं, मैंने लिखा 1/1 - i/6 इंटू में 2√3 - 2i/8। क्या ये कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर तो अलग है ना, लेकिन आर्गुमेंट सेम, क्यों, क्योंकि इस Z1 को यदि किससे मल्टीप्लाई करते, इस नंबर से, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जितना इस Z का आर्गुमेंट है उतना ही Z1, तो Z का ना निकाल करके हम किसका निकालेंगे, Z1। क्यों Z1 का, क्योंकि Z1 थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन में,
इतनी बात समझ में आई? तो यहां साइड में लिख देना कि भाई आर्गुमेंट ऑफ जेड वन और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, इसका आर्गुमेंट निकालना है, अब तो लॉग भी लग जाएगा, लॉग लेने पर, या फिर लॉग ना लगाए। सुने, हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे 1 प्लस आयोटा की पावर 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 रूट 3 माइनस 2 आयोटा की पावर 8 से भी ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई, तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर, अरे इसको 1 प्लस आयोटा की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 16 की पावर 8। ये जो नीचे लिखे हुए हैं इसको हमने 1 प्लस आयोटा की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे किया तो ऊपर भी करोगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करोगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई चेंज? अच्छा, अब हम इसकी जगह, अब इसकी जगह थोड़ा सा अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लेने वाले हैं, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले लेते हैं, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 और 2 रूट 3 माइनस 2 आयोटा की पावर 8। अच्छा, जितना Z2 का आर्गुमेंट होगा क्या उतना ही Z1 का होगा? अरे बोलो भाई, इसमें ये पॉजिटिव नंबर ही तो डिवीजन में है, तो इससे आर्गुमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जितना Z2 का आर्गुमेंट उतना ही Z1 का, उतना ही Z का, मतलब हम Z2 का निकालेंगे तो Z का आ जाएगा। अब हम लोग log आर्गुमेंट log वाला ले लें, प्लस, अच्छा ये प्लस है, ठीक है ये प्लस है। अच्छा, अब हम लोग बहुत ध्यान से देखो, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में, हमने इधर कहा आर्गुमेंट ऑफ क्या निकालना है, Z2, तो इधर आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर 6 अलग और आर्गुमेंट ऑफ 2 रूट 3 प्लस 2 आयोटा की पावर 8 अलग। अरे भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में लॉग लोगे तो प्लस में टूटते, अरे लॉग के जैसा चलेगा ना, आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट इस पूरे का लोगे, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का आर्गुमेंट क्या होगा, अल्फा का आर्गुमेंट प्लस बीटा का, पावर क्या आगे आ जाएगी, 6 आ गया है 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अभी बताया था, दैट इज पाई बाई 4। अच्छा, क्या 8 आगे आ जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, यार इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट करो, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 मतलब पाई बाई 6, जोड़ के बताओ कितना आया, कितना, 17 पाई बाई, क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल नहीं है, तो हम इसमें कितना जोड़ दें, 2n पाई, यदि वो प्रिंसिपल पूछेंगे ऑप्शन में तो जोड़ना है, नहीं तो यही आंसर है। अब क्या इसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 रखने पर तो वही आएगा, 1 रखने पर और वैल्यू बढ़ जाएगी, -1 रखने पर, n की जगह -1 रखने पर 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, कब आएगा, जब n की वैल्यू -1। क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया, आंसर इज 5 पाई बाई 6। इस वाले से हम लोगों ने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे, उसके आर्गुमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे, बट टाइम ज्यादा हो गया, तो आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन से शुरू करेंगे इसके, ठीक है।